कांग्रेस तो अज हर वर्ग बेहद दुखी हो चुका है ते कांग्रेस नूं सत्ता चो चलदा ही वेखना चाहुंदा है। इन्हां विचारां दा प्रगटावा अज हुशियारपुर दे हलका चब्बेयाल तों श्रोमणी अकाली दल अते बसपा दे सांझे उम्मीदवार सोहण सिंह ठंडल ने हुशियारपुर च नामजदगी पत्र दाखिल करने समय कीता। ठंडल ने कहा कि पिछले 5 सालां च कांग्रेस ने पंजाब दा नहीं सगों अपना विकास कीता है ते कांग्रेसी मंत्रियों वल्लों कीते घुटाले भी किसे कोलों लुके छिपे नहीं हन। हुशियारपुर न्यूज़ दे नाल चेतन कश्यप दी रिपोर्ट। मैं अज इलेक्शन कमीशन हिदायतों मुताबक जो नॉमिनेशन देने हैं तो 28 तरीक न अपने ADC जनरल नूं जो RO आ अपनी नॉमिनेशन दिती है। मैं बड़ी खुशी है कि श्रोमणी अकाली दल वालों मैनू इस बार फिर हलका चब्बेवाल तो अपना उम्मीदवार एलानिया। सो जिस तरीके दे नाल अज पूरे हल्के दे विच एक बहुत वड्डी लोगों के खुशी की लहर आ और लोग जिहड़ा ये तखेजाही वाला और झूठ बोलबाण दा राज तों नजात पाउणा चाहुंदे आ। सो मैं समझदा कि ये सीट जिहड़ी आ बहुत वड्डी लीड दे नाल जित के श्रोमणी अकाली दल झोली दे विच उह पावांगा। देखो मुद्दे आ कि सब तो वड्डी गल आ कि 5 साल दे विच जो वादे किए गए थे वह वफा नहीं होए। अज लोग उन्हां गल्लां नूं पुछ रहे आ कि घर घर नौकरी मिल गई, कि कर्जा माफ़ हो गया, कि गरीबों राहत मिली आ, कि जिहड़े साढ़े बंदियां नूं 36,000 पक्का करना सी वह पक्का हो गया। उहदे नाल नाल ही डिवेलपमेंट की गल आ वह अज हल्के दे विच किसे पासे लंघन नूं कोई राह नहीं। और उह तों वी वड्डी गल इह आ कि मैं समझदा कि जिहड़ा अपने हल्के विच नशे दा बहुत वड्डा बोलबाला होया और मैं ये अपनी सारे लोगों का वादा भी करदा कि जितने तो बाद प्रायोरिटी के उपर जिहड़ा नशा रहा इहनूं रत्त पावांगे। और जिहड़े लोगों उपर झूठे परचे करके लोगों को हरास किया गया पिछले 5 साल के विच वह लोगों को इंसाफ वो दिवाउण लई मैं हर जतन करांगा। देखो कर्जा मैं थोड़ा बेनती करनी चाहुंदा कि कर्जा 92 तो लैके लगातार जिहड़ा ये सरकारां उपर वध रहा, पर साढ़े वेले भी कर्जा बढ़िया थी, पर असी जो कर्जा लिया तो असी पंजाब की डिवेलपमेंट बड़े लैवल से की थी। दुख यह कि यह जी सरकार चली है ये 1,00,000 करोड़ का कर्जा होर वाधा हो गया तो कम को होया नहीं, एक भी कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई होर गल नहीं, वो कम तो कोई होया नहीं। की कारण जो कम नहीं किया फिर कर्जा कहते बढ़ गया। सो इन्होंने तो अपने झोलियां भरिया, अज 111 दिन का मुख्यमंत्री जिहड़ा आ वो 11 करोड़ के नोटों के नाल गल सामने आ रही है। ये कितना कितने गल दसदी है कि इन्होंने अपने झोलियां भरिया, लोगों का कोई वादा पूरा नहीं किया, लोगों ने कोई इंसाफ नहीं किया। सो मैं समझदा कि ये कर्जा लेना हर बंदा कर्जा लेंदा, हर सारे सूबे लेंदे आ, बड़े कंट्री भी लेंदे, अमेरिका भी कर्जा ही आ, पर डिवेलपमेंट की गल वा तुसीं पैसा लोगों की बेहतरी वास्ते खर्च करते हैं, चंगी गल वा। जे थोड़ी GST वधदी आ तो तुसीं कर्जा लै सकते हैं। सो असीं श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब नूं बेहतरी वास्ते कम किया और हुण भी वचनबद्ध वा कि जो कहा वह किया, जो कहांगे वह करांगे। देखो राहुल गांधी कह गए कि इलैक्शन चेहरा ऐलान के करांगे, पर मैनूं लगदी नहीं गल कल्ले स्टेज के उपर जिवें नवजोत सिद्धू ने अपनी खुलेआम मंग की आ, उस तों बाद चन्नी ने भी मंग की आ, वह हाले भी सारे बंदे मंग करते आ और रिजेंटमेंट उन्होंने पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई आ। बहुत सारे सीनियर लीडरशिप कल आई नहीं और लोग हल्कों में तुम देखो कि जी टिकटों की वंड वेले भी हल्कों के वड्डी जी बगावत उठनी शुरू हो गई आ। सो खिचो ताने सारिया पार्टियां यही हाल जिहड़ा आ अपने आम आदमी पार्टी का आ, उत्थे पैसे लैके टिकटां देने की गल सामने आ रही है, इत्थे लोग नाराज़ होकर अपनी गल जिहड़ी कर रहे हैं। सो सारे पासे जिहड़ी हफड़दबड़ी मची आ। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी स्टेबल आ और लगातार साढ़े जिहड़े वर्कर आ वो बहुत चंगी जिहड़ी कंपेन कर रहे हैं, चंगे रिजल्ट आने की जिहड़ी आ संभावना है।